मैं हूँ प्राची वेलकम टू आशोधाए जहाँ हम करते हैं बातें आपकी वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड उनकी सोल्यूशंस की वी हैव विद आस इन द स्टूडियो आ वास्तु एक्सपर्ट राजेंद्र जी कैसे हैं आप आई एम गुड एज दे से नथिंग टेक्स द पास्ट अवे लाइक द फ्यूचर एंड फॉर अ बेटर फ्यूचर प्लीज 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 स्टार्ट फॉलोइंग एंड बिलीविंग इन द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तुशास्त्र जैसा कि आप सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा हमारे वास्तु एक्सपर्ट राजेंद्र जी ने हमें बताया इन डिटेल अबाउट द द ऑफ दिशा साउथ ईस्ट एंड मच मोर अबाउट ऑल दी दिशाएं आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं उनके साथ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द दिशा वेस्ट सो राजेंद्र जी प्लीज हमारे दर्शकों को वेस्ट के बारे में कुछ डिटेल्स दीजिए देखिए हमने ईस्ट की बात कर ली साउथ की बात कर ली हुँ. हम वेस्ट की बात करते हैं वेस्ट में अगर आप देखें तो जो सूर्य है वो ईस्ट से निकल के वेस्ट में ही अस्त होता है अस्त दिशा मतलब क्या होगा यहाँ से अंधेरा शुरू होता है जीवन में okay. तो वेस्ट दिशा जो है वो अंधेरे का कारक भी माने गई है okay. और अगर हम इसकी प्लेनेट की बात करें तो यहाँ के जो लॉर्ड हैं अधिपति हैं वो है शनि शनिदेवता है अच्छा. और शनि देवता का आपका आपको नेचर पता होगा कि वो न्यायप्रिय ग्रह है हुँ. तो इसीलिए एक इसमें और एक बात निकल के आती है कि जो वेस्ट के दरवाजे होते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हो या कहीं भी वेस्ट के दरवाजे हो तो वेस्ट के दरवाजे में एक खास बात ये आ जाती है कि इसके जो अधिपति प्रभुत्व जो है वो शनिदेव हैं okay. और शनिदेव कैसे हैं कि उनको न्याय बहुत प्रिय है तो जो भी लोग वेस्ट में रहते होंगे तो सबसे पहली बात यह है कि वो लोग जिसे इनकम की हम बात करते हैं तो कहीं से कुछ भी गलत इनकम अगर घर पे आती है फॉर एग्जाम्पल okay. तो वेस्ट की दिशा वाले लोगों को शनिदेव पनिश करेंगे अच्छा जैसे दस हजार आ गए गलती से यहाँ yeah. पे तो डेफिनेटली दो तीन महीने में आप देखेंगे तो शनि देव बीस से तीस हजार रुपये खर्चे करा देंगे आपके प्रिंसिपल oh, है okay. ये प्रिंसिपल्स हैं ये सारी चीजों के तो शनि जी जो ग्रह हैं वो न्याय के प्रतीक हैं वो hmm. वो धर्म के विरुद्ध जाते ही हैं तो वेस्ट इतनी पावरफुल जगह है कि आप देखें कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वेस्ट जो है शनि है तो शनि जैसे बिलो छोटे लोग रहते हैं तो शनि छोटे लोग हाँ उसका कारक भी शनि है Okay. तो उनको ये बहुत ज्यादा घर अच्छे से पावरफुल बनाता है okay. और जो लोग गलत तरीके से काम करने वाले हैं वो लोग वेस्ट में रहते तो उनको बहुत ज्यादा हानि होती है। होती है बिल्कुल लिए। और सन यहाँ पे जबस्त होता है और प्रकाश खत्म होता है तो अंधेरी की जगह भी यही हमारे वेस्ट दिशा कही जाती है so, तो, uh, you're trying to say कि जो truthful, honest लोग हैं वो अगर वेस्ट में रहते तो उनका होगा में। और अगर जो जो कोई है जो चीटिंग कर रहे है, थोड़ी बहुत तो उनको शनि भगवान करेंगे जी okay. तो शनि देवता का यही एक आ, शक्तिशाली चीज है और कि जैसे जो लोग आप देखें पेट्रोल के संबंधित काम करते हैं संबंधित काम करते हैं और क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में जो लोग बहुत जुड़े हुए हैं उन लोगों को देते हैं मकान बनाने वाले लोग हैं तो डिपेंड ऑन उनकी क्या चीज़ वो अपने लाइफ में प्रोफेशन, प्रोफेशन हैं। आप तो है फ्रेश दिशा सजेशन करते हैं सारे लोगों को ये सूट नहीं होती है। और इसको बहुत प्रोटेक्शन करने की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि अस्त दिशा है यहाँ पे थोड़ी भी मस्ती नहीं चलेगी आपकी अच्छा। जहाँ पर बड़े केयरफुली हमको भवन हो वास्तु हो हॉस्पिटल हो ऑफिस हैं सारी चीज़ें बड़ी बारीकी से देखनी पड़ती है जहाँ पर वेस्ट बहुत ज़्यादा ओपन होता है

प्राण मिलता है हमको प्राण शक्ति इष्ट से डेवलप होती है yes. नॉर्थ से जो है वो जीव को चलाने वाली जो शक्ति है जैविक ऊर्जा बोलते हैं okay. वो शक्ति हमें नॉर्थ से मिलती है मैंने बताया नॉर्थ के जो अधिपति हैं वो यहीं पे चंद्रमा आता है और यहीं पे बुध आते हैं hmm. तो चंद्रमा से अगर आप देखें तो फीमेल एनर्जी डेवलप होती है अच्छा चंद्रमा से सारे मेडिसिन बनते हैं आयुर्वेदा में अगर शास्त्र देखें तो सारे मेडिसिन यहीं से बनते हैं और चंद्रमा अगर आप देखें तो कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष होता है कृष्ण पक्ष में चंद्रमा बहुत धीरे 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 लुप्त होना शुरू होता है और पूनम में देखें तो फूलमून होता है तो चंद्रमा की जो दिशा अगर आप लेने जा रहे हैं तो बहुत समझना पड़ेगा आपको क्योंकि इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कन्फ्यूज होना शुरू होते हैं अगर ये दिशा को हम बैलेंस नहीं करें तो अच्छा। और बुधादी जो ग्रह हैं यहीं पे माँ लक्ष्मी का वास है कुबेर की दिशा इसी दिशा में कही गई है यस ईस्ट में ईशान्य में शिव बैठते हैं और कुबेर में माँ लक्ष्मी वास करती है शिव को माँ लक्ष्मी से मिलाना और अगर आप देखें तो सूर्य को हम नारायण भी कहते हैं नारायण विष्णु के बाद तो विष्णु की दिशा ईस्ट होती है और नॉर्थ दिशा लक्ष्मी है ये दोनों लक्ष्णु का, का कॉम्बिनेशन अगर हो तो जीवन में सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं अच्छा। ये देवताओं की दिशा है यह ये okay. देवताओं की एनर्जी है ये फुल पॉजिटिव एनर्जी है तो नॉर्थ मतलब अगर आप देखें तो शास्त्रों में मैंने जैसा कहा दक्षिण है दक्षिण आपको क्षीण करेगा हमेशा लेकिन जो उत्तर है अगर आप देखें उत्तर जो नाम है नॉर्थ उत्तर उत्तर मतलब सारे दुखों का उत्तर इसी दिशा में है

कैसे भी उसको यूज़ करते हैं ईस्ट डायरेक्शन में जाए जी बिल्कुल okay. और ये भी एक शिवलिंग का भी आकार देखे तो शिवलिंग को है शिवलिंग को आप रखें तो देखो साउथ वेस्ट का दिशा शिवलिंग की तरह ऊंचा है कठोर है oh और नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ ईस्टर एलिमेंट है

दोषों की जहां बात आती है तो बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है लेकिन जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं अगर आपको भी पता है कि आपको थोड़ा फीवर आ गया तो आपको क्रॉसिंग खा लेंगे सेरेडोन खा लेंगे medicine, आप ठीक हो सकते मेडिसिन yeah. पांच दस दिन में आप ठीक हो जाएंगे है कि नहीं yes. लेकिन अगर आपको अपेंडिक्स की गाठ होती है तो क्या आप उसको रखते हैं क्या नहीं, ऑपरेशन वैसे ही वास्तु में कुछ ऐसे भवन होते हैं जिसमें कुछ रेमेडी हम कर सकते हैं अगर अच्छा वास्तु शास्त्री है तो वो कुछ रेमेडी कर देगा okay. अगर बहुत बड़ा दोष है तो वहाँ रेमेडी काम नहीं चलती है वो सिर्फ एक बातें बनाना होता है लेकिन शास्त्र का उल्लंघन ही बड़ा जीवन में परेशान करता है तो एक छोटा सा हम दोष देखते हैं जो आपको हिला के रख सकता है बहुत सारी परेशानियाँ आपको पता ही नहीं चलेगी कहाँ से आ रही है वो है हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की जैसे प्राची जी okay. चार्ट पे देखते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो होता है यहाँ पे मैंने बताया ये दिशा का नाम है ईशान्य दिशा है क्या नाम इश, है ईशान ने ईश मतलब महादेव का नाम है ईश तो आप देखिए महादेव यहीं पे वास करते हैं ईस्ट ईस्ट इस नॉर्थ में।, में यस अगर गलती 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 से यहां पे, गलती से से फॉर पे पर महादेव को अगर आप देखे तो उनका नेचर क्या है अभिषेक होता है श्रावण मास में अभिषेक होता है रुद्राभिषेक होता है वहां से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की दानव ने भी प्राप्त की और मानव ने भी प्राप्त की देवताओं ने भी प्राप्त की महादेव से तो वो एनर्जी माँ गंगा उनके ऊपर वास करती है यहाँ पे वॉटर इलिमेंट मैंने बताया आपको yes. जहाँ पर अभिषेक होना चाहिए जहाँ पे पूजा होनी चाहिए जहां पर बहुत सारे चैंटिंग्स होनी चाहिए अगर वहां पर मान लीजिए टॉयलेट्स आ गए बाथरूम आ गए तो रोज आप टॉयलेट्स यहाँ पे कर रहे हैं oh. आप समझ रहे हैं yeah. रोज यहाँ पे अभिषेक होना चाहिए पूजा होनी चाहिए चैंटिंग्स होनी चाहिए सबसे पवित्र एरिया जो है होना चाहिए वहाँ पे यहाँ पर टॉयलेट जी बिल्कुल और माँ गंगा का भी वास यहीं पर है तो अगर आप देखिए कि यहाँ पर वो सारी चीजें नहीं होके टॉयलेट बाथरूम होता है

पहले जान कर ही उस घर में जाइए ये सबसे बड़ा मिशन होता है लोग जाने के बाद रेमेडी करते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है कि नहीं तो इट्स बेटर है कि आप पहले दिखा करके ही मकान मिले क्योंकि आपका जीवन ही इस पर निर्भर है आप totally. कितना भी ऑफिस चले जाइए किसी से भी आप मिलिए आप उतना कंफर्ट नहीं लेकिन घर पे आने के बाद जो आप एक रिलैक्स फील करते तो हैं मेरा घर है ये मेरा हाउस है वो सच्ची एनर्जी आपको आपके हाउस से मिलती है अगर आप मेहमान के यहाँ भी चले जाए तो देखो थोड़े समय रहेंगे आप लेकिन घर पे आने के बाद जो फील होता है वो आपका घर ही होता है तो सबसे बड़ी बात है टॉयलेट बाथरूम अगर इस दिशा में आ गया है तो कृपा करके इस इसपे कुछ चीजें हो सकती है अदरवाइज ये कुछ समय के बाद में सारे सुख संपत्ति ऐश्वर्य आपकी खाता चला जाता है क्योंकि hmm. महादेव की दिशा है पवित्र दिशा है यहाँ पर इतनी गंदगी तो आप क्या कर सकते हैं तो इट्स बैटर एक्सेप्टेबल हाँ इट्स बेटर इसको आपको खाली करना चाहिए okay. और अगर जो लोग खाली नहीं करते हैं कुछ 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 चीजें कर लेते हैं लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कुछ भी नहीं हो पाएगा रीजन ये है कि बहुत बड़ा दोष है ये इसके अलावा और सारे बहुत सारे दोष है लेकिन ये बहुत बड़ा दोष है जहाँ अभिषेक है वहाँ टॉयलेट बाथरूम है तो कृपा करके अपने जीवन को मस्ती से न लें और ये सारी चीजों पर थोड़ा एक निर्धारित समय करके आप किसी से गाइडलाइन लेकर के आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं यस सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि किचन में सिंक इज ऑलवेज प्लेस एंड गैस भी रहता है तो पीपल आर ऑलवेज रनफ्यूज अबाउट टू एलिमेंट्स टुगेदर सो आप इसका क्लैरिफिकेशन क्या हमारे व्यूअर्स का दे सकते हैं जी बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए शास्त्र में अभी अभी ये कुछ चीज़ें आप देखेंगे बुक्स में आपको पढ़ने के लिए मिलती है लेकिन हमारे वास्तु शास्त्र की जितनी भी बुक है प्राची जी उसमें किचन में जो सिंक होता है आप नोट करिए कि जो सिंक में पानी आप डालते हैं वो वहाँ पर स्टोर होता है कि चला जाता है प्राची जी बताइए आप मुझे निकल, जाता है, निकल जाता है आउट सारे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जहां पर भी शास्त्रों में पानी का स्टोरेज हो संग्रह हो जैसे हजार हो, दो हो, तीन है, वहां एक ऊर्जा तैयार होती है अच्छा वहां पर कुछ ना कुछ इफेक्ट मिलेंगे लेकिन सिंक में जहाँ बहता हुआ पानी है जैसे निकल गया उसका शास्त्रों में कहीं भी वर्णन नहीं है ये लोगों को भ्रमित किया जा रहा है इससे लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं तोड़ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ, की जा रही है लेकिन जिन लोगों का भी किचन अगर साथ में तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहते हुए पानी का शास्त्र में कहीं भी वर्णन नहीं है विश्वकर्मा प्रकाशम हो चाहे मयमतम है बहुत सारी बुक्स है उसमें कहीं भी बहते हुए का कोई भी शास्त्र नहीं है ये कुछ लोगों की अज्ञानता की वजह से आज ये बोलना शुरू हुआ है लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं स्टोरेज पानी है जहाँ पर हज़ार लीटर है तीन सौ चार सौ अंडरग्राउंड हो या ओवर वहाँ पर एक ऊर्जा तैयार होती है और उसका एक अपना महत्व है लेकिन बहते हुए पानी का कोई भी शास्त्र नहीं है

जी बिल्कुल देखिए मंदिर का एक अपना स्थान है जहाँ से हमें बहुत शक्ति मिलती है आप okay. देखिए आप वर्क करते हैं लेकिन जब तक आपके अंदर ताकत नहीं है एनर्जी हुँ, नहीं हुँ. है और वो भगवान के सामने ही हम खुल के बोलते हैं yes. है कि नहीं तो वो वो उसकी ऊर्जा है कि मंदिर भी कहाँ होना चाहिए अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो तो और कहाँ प्लेसमेंट है लेकिन किचन के अंदर मंदिर मैं सारे लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके घर पे नॉन बनता हो ओके नॉनवेज बनता हो तो वहां पर मंदिर नहीं लगाना चाहिए ये दोष है ओके okay, दोष है बिल्कुल ओके okay. काफी नेगेटिव एनर्जी आपको प्राप्त होगी तो जो लोग नॉनवेज नहीं बनाते हैं उनके लिए कुछ एरिया में हम कर सकते हैं अदरवाइज कैसा होता है कि किचन के अंदर झूठे बर्तन भी होते हैं और किचन में कैसा होता है फीमेल आपको पता है कि फीमेल एनर्जी चार से पांच दिन थोड़ा सा तकलीफ होती है तो वो वहां पर जाए वो उसका आना जाना तो चलता ही रहता है हुँ, हुँ। तो हो सके तो हम लोग किचन में ज्यादातर देते ही नहीं है रीजन okay. अगर uh, hmm. कोई करना चाहता है तो इफ दे आर नॉट ईटिंग नॉनवेज देन इट इज एडवाइजल अदरवाइज स्पेस की प्रॉब्लम नहीं है देन यू विल एडवाइज पीपल की प्लीज किचन में सेटअप ना कीजिए एंड लव इज नवर अनश्योर इफ यू लव वॉचिंग आवर शो प्लीज डू कम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक वेलकम बैक टू दिशाएं ब्रेक के पहले हमने जाना कि घर में किस प्रकार के दोष हो सकते हैं अगर उसकी वास्तु को ऐपली अरेंज नहीं किया गया हो तो अब हम जानेंगे हमारे वास्तु एक्सपर्ट से मोर अबाउट हाउ टू इंक्रीज द फीमेल एनर्जी इन हाउस सो राजेंद्र जी माय नेक्स्ट क्वेश्चन एज आई सेड वुड बी हाउ टू इंक्रीज द फीमेल एनर्जी दैट इज़ बिकॉज इन टू लाइक नाव डेज वुमेन आर नॉट ओनली जस्ट हाउस वाइफ बट दे आर ऑल्सो वर्किंग यू नो दे आर ट्राइंग टू ग्रो इन देर प्रोफेशनल फील्ड्स अगर वो मैरिड है दे हैव किड्स उनको बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है ऑफिस का भी ख्याल रखना पड़ता है खाना बनाना पड़ता है एंड यू नो फॉर ऑल दिस उनकी एनर्जी को और बढ़ाने के लिए फीमेल्स आर ऑलरेडी विद लॉट्स ऑफ एनर्जी बट स्टिल और भी अगर इम्प्रूव करना है विद रिस्पेक्ट टू वास्तुशास्त्र तो क्या उपाय है इसके लिए जी बिल्कुल देखिए एक सर्वे रिपोर्ट भी आया था जिसमें कहा गया है कि मेल से ज़्यादा फीमेल ही वर्क करती है हुँ. बहुत ज्यादा उसको एफर्ट करने पड़ते हैं बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है और नारी को शक्ति का रूप दिया गया अगर वो शक्ति को सही चीज़ से वास्तव में अगर यूज़ नहीं करें तो डेफिनेटली सारे लोग इफेक्ट आते हैं उसके तो फीमेल एनर्जी कहा गया है कि अपने आप को डेवलप वो किचन में ही कर पाती है ज़्यादातर अगर आप देखें तो किचन एक ऐसी शक्ति है किचन मतलब यहाँ पे शुक्र देवता आते हैं शुक्र देवता साउथ ईस्ट कॉर्नर में शुक्र देवता है जहाँ से फीमेल एनर्जी आई है तो साउथ साउथ ईस्ट जो कॉर्नर है वो फायर का एलिमेंट्स है फॉर एग्जाम्पल किचन गलत प्लेसमेंट पे होने की वजह से फीमेल एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो हम लोग ज्यादातर प्रायोरिटी ये देते हैं क्योंकि हस्बैंड जो होते हैं जो मेल होते हैं वो घर के बाहर भी कहीं कहीं जॉब पे जाते हैं फीमेल एनर्जी को सारी चीज देखनी होती है बारीकी से तो हम उनके लिए बहुत ज्यादा मेहनत इसलिए करते हैं हालांकि करते हैं दोनों के लिए लेकिन वो घर पर रह के सारे क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन तो अगर वो किचन में अच्छा मन से खाना नहीं बनाए तो सारे लोग दूषित होंगे yes. शास्त्रों में कहा गया ये बात yes. अन्नपूर्णा का वास अगर सही जगह पर नहीं दिया जाए फीमेल को तो फीमेल एनर्जी डिस्टर्ब होनी है तो हमें बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है कि वो किचन पर सेटअप है तो yes. वो उस किचन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साउथ ईस्ट का एक प्रायोरिटी बहुत अच्छा है यहाँ पे कर सकते हैं लेकिन आजकल मिलते नहीं है बहुत सारे तो सेकंड जो सब्सिट्यूट हमारे वास्तुशास्त्र में क्या गया है तो नॉर्थ और वेस्ट की दिशा पर किचन का एक प्लेसमेंट यहाँ पे कर सकते हैं okay, okay. और जगह पे भी बहुत सारी चीजें लेकिन और जगह उतना ज़्यादा इफेक्ट मिल नहीं पाता है अच्छा। लेकिन अगर आप देखें तो इसके अगर ईस्ट और वेस्ट की तरफ से मैं ये एक रेशा मार दू जिसे एक लाइन मारता हूं ये। इसको दो हिस्से में बढ़ गया है बराबर है तो ये जो साउथ का हिस्सा हो जो इस पोर्शन पे होता है ये ये अलग है और ये फीमेल एनर्जी है जो है वो नॉर्थ को क्योंकि चंद्रमा की ज्यादा शक्तियां यहीं पे हैं ओके okay, और North फीमेल जो होती है चंद्रमा से कनेक्टेड होती है अच्छा तो इस एरिया में इसलिए आप देखें ज्यादातर जो बिजनेस जो होते हैं वो लॉस क्यों होते हैं कॉस्मेटिक के और बहुत सारे क्योंकि वो लोग अगर इस प्लेसमेंट पे ज्यादातर स्टोरेज रखते हैं तो डेफिनेटली लॉस होगा क्योंकि कारक ग्रह देखना मैंने बताया ना पहले ही बताया कि ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र अच्छा ज्योतिषी वास्तुशास्त्र के इंप्लीमेंट करके उसको अच्छा दे सकता है अगर कॉस्मेटिक के आइटम अगर इस शॉप में इस तरफ ज्यादातर हो तो आता है कस्टमर अपने आप आते हैं लेकिन उसके विरुद्ध हो तो बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट वाइज एंड उसके एप्लीकेशन वास्तुशास्त्र के होते हैं जी बिल्कुल तो इस दिशा को हम लोग बड़े प्रॉपर तरीके से डायग्नोस करते हैं क्योंकि ये दिशा फीमेल एनर्जी की होती है okay. तो फीमेल एनर्जी यहीं पे अपने आप को डेवलप कर पाती है और फिर उसके सोने का स्थान ये सारी चीजें बाद में आती है लेकिन सबसे ज्यादा महत्व होता है जो किचन 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 हम लोग उसको प्रॉपर सेट करके क्योंकि वो सारा चीज दिन में जो भी चीजें घर की होती है वो किचन में जाकर अपने आप से बात करती है mm. और आप देखें तो फीमेल एनर्जी में एक सबसे बड़ी बात होती है उसका सिक्स सेंस आदमी अगर एक आदमी को देख ले तो बहुत सारी चीजें उसको पता नहीं चलती लेकिन एक फीमेल अगर किसी आदमी को देख लेती तो समझ में आ जाता है कि व्यक्ति का नेचर क्या है उसकी नीयत क्या है वो डेवलपमेंट सिक्स सेंस से ही होता है तो फीमेल एनर्जी को वो मिला है तो उसको कैसे बूस्ट करना है और किचन का प्लेसमेंट गलत होने से फीमेलों को भूलने की आदत हो जाती है बहुत सारी चीजें वो टाइम पे काम नहीं कर पाती है, है, oh. है। hmm. इसलिए बहुत गहरी बात है कि फीमेल एनर्जी को हम बहुत अच्छे तरीके से प्लेसमेंट कर सकते हैं लेकिन डिपेंड ऑन वो घर कैसा है okay. yes, right. And, uh, so किचन के लोकेशन का सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए को घूम के लिए क्या हो है अस्त होता है वेस्ट में? तो ये जो नीचे का पोर्शन है यहाँ पर मेल एनर्जी डेवलप होती है okay. अगर साउथ में बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे तो उसका इफेक्ट आपके घर के मुखिया पे पड़ता है ज्यादा अच्छा इसलिए इसको अच्छे तरीके से हमको डायग्नोस करना चाहिए क्योंकि मेल एनर्जी ज़्यादातर यहाँ पे डेवलप होती है okay. गलती से अगर इसके सेंटर में अगर किचन आ जाए mm -hmm. तो उसके करियर क्षेत्र में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू होते हैं okay. तो इस दिशा में मेल का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और ये दिशा में फीमेल का ज़्यादा इफेक्ट होता है तो इसको अच्छी तरीके से हम डायग्नोस करने में सक्षम होते हैं तो फिर देखेंगे कि जीवन में धीरे 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 जो मेल एनर्जी है वो बहुत अच्छी तरीके से जाएगी। बढ़ती चली जाती है लेकिन मेन बेसिक ये प्रिंसिपल है कि फीमेल एनर्जी एनर्जियाँ और मेल एनर्जी आएँ गलती से अगर सपोज जैसे फैक्ट्री वगैरह में भी हम देखते हैं काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं तो उसमें भी हम ऑफिस हैं फैक्ट्री हैं तो उसमें हम लोग इसी तरीके से डायग्नोज करते हैं कि वहाँ पर फीमेल एनर्जी कितनी है मेल एनर्जी कितनी है okay. अगर मेल मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो उसको यहाँ पर सेटअप करने की हम सोचते हैं और फीमेल एनर्जी है मेल एनर्जी है तो इस तरफ सेटअप करते हैं अगर गलती से फीमेल जो है उसको यहाँ कर दिया जाए और मेल को ऊपर ले जाया जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम आने शुरू होते हैं बहुत सारी कन्फ्यूज़न शुरू हो जाती है डिबेट शुरू हो जाते हैं और भारी मात्रा में लॉसेस आते हैं तो जब भी ऑफिस होती है फैक्ट्री होती है तो इस तरीके से हम डायग्नोस करते हैं कि मेल एनर्जी कहाँ होनी चाहिए और फीमेल एनर्जी कहाँ होनी चाहिए और वैसे ही प्रोडक्ट भी होते हैं okay. हर चीज़ का प्रोडक्ट का भी एक एक कारक तत्व है जैसे लोहा है तो वो शनि के अधिकार में है, है कि नहीं वाटर है कोई भी कॉस्मेटिक आइटम है वो चंद्र के अधिकार में है तो ये सारी चीज़ें देख करके ही आ, हम लोग वास्तव को निर्धारित करते, है। करते हैं।, हैं और इसमें बड़ी बारीकी से देखने के बाद ही वो सारी चीज़ें समझ में आती है जैसे ब्यूटी शॉप है तो ब्यूटी शॉप में ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं कॉस्मेटिक तो उसको डायग्नोस करने में हमें बहुत सारी इस तरीके की हेल्प होती है तो और ये हेल्प करके ही फिर हम देखते हैं धीरे 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 दो तीन साल के बाद में वो जहाँ थे उससे कई गुना आगे बढ़ जाते हैं हमारे आज के एपिसोड में राजेंद्र जी आपने हमें दो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई दैट इज वी शुड नेवर हैव अ बाथरूम और अ टॉयलेट इन द नॉर्थ ईस्ट दिशा बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ऑस्पिशियस दिशा फ्रॉम अमंग्स ऑल द दिशाएं एंड ऑल्सो इन्होंने हमें एक बहुत ज़रूरी बात बताई थी कि किचन में द सिंक एंड गैस साथ में होने से काफ़ी लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम होता है बट दिस इज़ नॉट ट्रू किसी यू uh, नो you know, अज्ञानी या हाफ नोन नॉलेजेबल पर्सन की बातें सुनकर अपना किचन डिस्ट्रॉय न करें ही सेज इट इज ओके टू हैव अ सिंग एंड द गैस इन द सेम किचन सो राजेंद्र जी नेक्स्ट आप हमारे व्यूवर्स को आज और क्या स्पेशल टिप देना चाहते हैं जी बिल्कुल देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि आ, घर में अगर मिठास तानी हो अगर आपके घर पे बहुत कलह हो रहे हैं तो एक छोटा सा मैं टिप्स देना चाहता हूँ एज ए वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर आप देखें तो बच्चा जो प्राचीर पैदा होता है सबसे पहले तो सबसे पहले उसके जीप पर मध रखा जाता है हुँ. वो बहुत मिठास है और मध में भी अगर आप देखें तो पंचामृत में मध का भी महत्व हो होता है अभिषेक में तो पाँचों देव होते हैं उसके अंदर दूध में अलग अलग मध में अलग तो मध के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि किचन के अंदर आप जो पॉट होता है कोई भी ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी का पॉट ले सकते हैं अच्छा। मिट्टी के पॉट में अगर आप मध भर के रखते हैं और उसको डे दे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे धीरे 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 ऑटोमेटिक आपके घर से कलर भी बहुत कम होगा ये रेमेडी बहुत कारागर है इसे आप ज़रूर यूज़ करके हमें हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा So, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको हमारा आज का शो जरूर पसंद आया होगा एंड कीप इन इन एंड वी विल नेवर यू आवर शो इसी तरह हम वास्तुशास्त्र के अद्भुत ज्ञान को डीकोड करते रहेंगे तो देन नेक्स्ट एपिसोड तक टेक केयर गुड बाय एंड कीप वॉचिंग स्पिन टीवी